मध्य प्रदेश जहां विकसित प्रदेश से प्रगतिशील मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर है, वहीं सीधी जिले के एक गांव के रहवासियों की जिंदगी आजादी से अब तक डोली खटोली के सहारे गुजर रही है। इसकी वजह है सरकारी सिस्टम में हीला हवाली के चलते गांव में सड़क मार्ग का ना होना। आज के युग में भी इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिसका खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में मजबूर होकर ग्रामीणों को कलयुग में भी श्रवण कुमार की तरह डोली खटोली के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वहीं कलेक्टर साहब गांव में सड़क पहुंचने का भरोसा दे रहे हैं। सीधी जिले के मझौली जनपद क्षेत्र के नदहा ग्राम पंचायत में आजादी से लेकर अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। रहवासी पगडंडी रास्ते से गांव और किलोमीटर दूर चलकर प्रधानमंत्री सड़क तक पहुंचते हैं, जो जिला मुख्यालय और ब्लॉक तक पहुंचता है। सरकारी सिस्टम में लगे जंग और क्षेत्रीय अधिकारियों की हीला हवाली से गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंच सकी है, जिससे गांव का विकास रुका हुआ है, बल्कि रहवासियों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। डोली खटोली के चलते एक मरीज उपचार के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि गांव में सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस वाहन भी नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में रहवासी अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई तो उनके पास डोली खटोली के अलावा कोई साधन नहीं है। मजबूर होकर कलयुग में भी गांव के लोग श्रवण कुमार बनकर अपना फर्ज निभाते हैं। डोली खटोली से लाए जा रहे मरीज का कहना है कि एक्सीडेंट हो गया है, पैर फ्रैक्चर है, जिसे दिखाने जबलपुर जा रहा हूं। गांव में सड़क नहीं है, जिससे डोली खटोली का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं एक रहवासी का कहना है कि गांव के सड़क के रास्ते में एक दबंग परिवार की कुछ जमीन फंस रही है, जिसके चलते गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई। जबकि गांव में सड़क न होने की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक कई बार पहुंचाई गई, बावजूद इसके कोई शिकायत, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है, या ग्रामीणों को पुराने ख्यालातों की तरह आज के इस युग में भी डोली खटोली के सहारे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। क्या नाम है आपका? कैलाश साहू। ये जो ले जा रहे थे डोला खटोला करके, कौन है, कहाँ ले जा रहे थे? मेरा पिता माता है, इनका ले जा रहे हैं हमें हॉस्पिटल जबलपुर दवाई करावे के लिए। अब यहाँ ना रोड गली नहीं है, कौनो वाहन आमा नहीं सर, ना छोट ना बड़ा। अब ये के मनई मजदूर मिल नहीं पावाता ही हमका, मजदूरी जे लायक हम हैं नहीं, बहुत थके हुए आदमी हैं। अब महतारी बाप के हम दवाई इलाज में परेशान हैं, और मजदूरों माही तब एक तो पेटा रथु आदमी कोई हमसे हो नहीं पावे, उनका मनई मजदूर मिल ही नहीं पावा। अब यह के शंभू के हैं एक मीटर के अंदाज पर जमीन ही वे तो दे नहीं रहे हैं, और इसीलिए रोड रुकी ही। और नेता मिनिस्टर जी जहाँ वोट के समय पर अगर आवा था, यह कहीं कि हम खुलवा देंगे खुलवा मको। चुनाव के टाइम में कौन कौन नेता आते हैं यहाँ? नेता के हम नाम पता कुछ नहीं जानी सर, पर यह के नेता बन के आवा था। कब बोलते आके? कहा था कि हमको वोट दे, हम इसका रोड का ही फाइनल करा देंगे, और नहीं कि आज तीन चार पाँच वर्षी हो गया, कौनों में से परेशानी दूर नहीं भाई सर। अयर मैं परेशान में हम फंस गए ना कि अब ये महतारी बाप दोनों, हम अपने बाप के अकेले हैं, और आदमी मजदूर ढूंढने में इतना समय लागे को मिल नहीं पावा था, मजदूरी देहो पर मैं नहीं मिल पावा था अपने समय का, और रोड दूर है। तब हम अकेले उनको आपके यहाँ की रोड की क्या समस्या, रोड की मेन समस्या क्या है? रोड की समस्या में ही है नहीं, तो का समस्या है भाई साहब? रोड है नहीं क्या? नहीं तो कहाँ से कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, तो डिटेल बताओ, जो भी हमारी मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। अब यह स्कूल के पास में ही एक मीटर के अंदाज पर शंभू गुप्ता की यहाँ जमीन है, वो कह रहे हैं कि हमारा है, और दे नहीं रहे हैं, और तनन खातिर रुकी ही। अगर एक मीटर आपको जमीन मिल जाएगा तो ये आधे एक किलोमीटर पूरा रोड 900 मीटर निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी भाई, सरकारी खाता है तो निकलवा नहीं करें। चलिए हमारी प्रयास रहेगी कि आपके यहाँ की एक मीटर जो रास्ता रोड है वो मिल जाए और आपकी रोड निकल जाए। जी ठीक है। क्या नाम है बाबा? लल्ला साहू। जो अपना ले जाते रहे, ये कहाँ ले जाते रहे? दवाई करा भाई। कहाँ?
अस्पताल या डोला खटोला से ले जाते रहे भाई, रोड गली नहीं आए तो कैसा किन जाए, कैसा के हैं ले जाते रहे। अच्छा अच्छा हाँ।